हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और हम लोग तिरुपति का दर्शन खत्म और अब हम चले सारी शॉपिंग, उसके लिए हम लोग कांजीपुरम जा रहे हैं। और साथ में मेरी बैठी हुई स्मिता और नम्रता भी है, आगे वो रेस्ट कर रही है। अभी 2 घंटे का जर्नी है तिरुपति से, है ना स्मिता? 2 घंटा लगेगा और वहाँ पे थोड़ा मोड़ा देर कुछ देर शॉपिंग करने के बाद हम लोग चेन्नई जाएंगे। वहाँ से 1 या 1.5 घंटे का कार ड्राइव है, फिर वहाँ से फ्लाइट हमारा चेन्नई टू कलकत्ता। कंस्ट्रक्शन के लिए जो पत्थर लगता है ना, काट के लेते हैं। ओके, आंध्र प्रदेश से हम लोग क्रॉस करके अब आ गए तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे वेस्ट बंगाल। तो एक दिन में हम लोग 3 स्टेट कवर कर रहे हैं। ये कांचीपुरम का कामाक्षी अम्मन टेम्पल है। कौन सा मंदिर? कामाक्षी अम्मन। बहुत छोटा छोटा मंदिर है यहाँ पे, बहुत सारा बड़ा मंदिर भी है। सो वी रीच द बाबूशा साड़ी शॉप कांचीपुर में। और तिरुपति से मैं आ गई हूँ कांचीपुरम बाबूशा शॉप में, जहाँ चप्पल भी अलाउड नहीं है। ये सारी एक मंदिर की तरह शॉप है और ऑल ओवर वर्ल्ड ये फेमस ये शॉप, जहाँ पे रेखा हो या सेलिब्रिटी हो सब यहीं आती है साड़ी खरीदने। ये बाबूशाह शॉप में 500 स्टाफ है, आप देख सकते कितने सारे स्टाफ है और बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे को साड़ी दिखला रहा हाँ। तो ये साड़ी हम लोग, इतना ज़्यादा मज़ा आया शॉपिंग करने में और टाइम का पता ही नहीं चला। हम लोग 4-4.5 घंटा रहे और ये लोग ना चाय पिलाए ना कॉफ़ी पिलाए, कुछ भी नहीं, 1 रुपये का डिस्काउंट भी नहीं किए, बट फिर भी साड़ी का क्वालिटी बहुत अच्छा था। तो साड़ी हम लोग खरीद के जा रहे हैं। ये देखिए साड़ी कितना इन लोग का स्टॉक में आता है, ये बहुत फेमस शॉप है। तो हम लोग का तो साड़ी का शॉपिंग हो गया कांचीपुरम में और हम लोग का फ्लाइट है चेन्नई से, तो टाइम थोड़ा 1 घंटे एक्स्ट्रा टाइम है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि उन्हें नल्ली चले जाए। और अब हम लोग आ गए चेन्नई एयरपोर्ट पे। हम लोग का जर्नी खत्म हुआ और हम लोग चले अब कलकत्ता। थैंक यू सो मच स्मिता एंड नम्रता, हम लोग बहुत इंजॉय किए, वी हैड लॉट्स ऑफ फन। एंड गर्ल्स, वी रियली नीड सोलो ट्रिप विद फ्रेंड्स, नॉट विद फैमिली ऑलवेज। Bye, take care, enjoy.